गुड मॉर्निंग आशीष गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मार्निंग फ्राइडे है आज और yes. बहुत कुछ अप है शाम को हमारा रियल एस्टेट अवार्ड है yes. वीकेंड पे गुरुकुल है तो पूरा लग नहीं रहा है तो वीकेंड नहीं है हमारे लिए तो वीकेंड है नहीं एक्चुअली तीनों दिन काम करना है और अच्छा खासा काम करना है लेकिन खैर कोई नहीं काम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए और मार्केट में देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है शानदार तेज़ी हो रही है और जो मार्केट से मांग रहे हैं आशीष वो मिल रहा है उस दिन मांगा कि दस कहानियाँ हो जाएँ वो हो गई

आज तक कभी नहीं हुआ कि निफ्टी ने लगातार बारह दिन रैली की तो अगर ऐसा हो गया तो ये देखिए ये हमारे जो आगे जाके हमारे बच्चों को सुनाने वाले किस्से होंगे कि हम इस समय इतिहास के सबसे सब बड़ी बुल मार्केट का हिस्सा थे इसमें एक और किस्सा जुड़ जाएगा कि 12 दिन तक लगातार निफ्टी ने रैली की थी कल की रैली थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों की रैली से थोड़ी सी क्वालिटी में खराब थी कल की रैली क्योंकि कल की रैली जो थी वो लार्जली लार्ज कैप ड्रिवन थी और कल मिड कैप्स में एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग थी और कल मार्केट ने दो बार झटके दिए एक्चुअली जैसे वो ए जी एम की स्पीड शुरू हुई मार्केट एकदम से गिरा उसके बाद फिर वापस उतनी तेज़ी से ऊपर आया वो कई एक्सपायरी वाले दिन होता है लेकिन कल मिड कैप में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस थी और काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ब्रेथ कल ख़राब थी ठीक है लेकिन इससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ एक बड़ा सवाल जो मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है ना कि क्या निफ्टी सितंबर के सितंबर में ही अब छब्बीस हज़ार लगा देगा हमने अगस्त के अगस्त में ऑल टाइम हाइक की बात की थी वो मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड किया अब क्या सितंबर में ही हम छब्बीस हज़ार हिट कर देंगे और वैसे देखा जाए ना छब्बीस हज़ार बहुत ज़्यादा दूर है नहीं अब आज की डेट में वो हज़ार पॉइंट में निफ्टी में वो मतलब नहीं है जो पहले होता था चार परसेंट में नहीं होता हज़ार हज़ार पॉइंट आजकल एग्जैक्ट पच्चीस हज़ार पर चार परसेंट हज़ार पॉइंट तो चार परसेंट क्या है निफ्टी के लिए जब चलना होता है दो दिन दो परसेंट तो एक ही दिन में चल जाता है तो इसके लिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है सारे सेक्टर्स मार्केट के सारे पिलर्स अच्छा कर रहे हैं एक्सेप्ट बैंक निफ्टी सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए और ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी भी अब गिर रहा है बैंक निफ्टी ने भी गिरना बंद कर दिया एटलीस्ट तो वो भी एक अपने आप में एक पॉजिटिव है आ, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं लॉन्ग रहे हैं। इस मार्केट में अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाते रहें हैं सी एन आवाज़ के जो व्यूअर्स हैं वो चौबीस एक से इस मार्केट में आठ अगस्त से लॉन्ग बने हुए हैं रोज आठ अगस्त से एक व्यू लिया गया है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और लॉन्ग बने रहिए और रोज मार्केट ग्रीन में रहा है उस दिन से और एक और चीज़ अच्छी हो रही है ना सिर्फ मार्केट आपको रोज़ रैली दे रहा है आपको इंटर में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है तीन चार दिन से देखिए आप हमारा जो बाय जोन है निफ्टी उस बाय जोन में आ रहा है और बाय जोन से रैली कर रहा है और रेजिस्टेंस वन में जाकर कर रोक रहा है कल भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वन में जाकर रोके एग्जैक्ट बाय जोन पर आने के बाद तो एक शानदार मार्केट जो आपको डे ट्रेडिंग में पैसा बना के दे रही है जो आपको पोजिशनरी पैसा बना के दे रही है इससे ज़्यादा क्या चाहिए बने रहें लॉन्ग्स में और एक स्टॉप लॉस आप रिवाइज कर लें चौबीस का एक दिन देखिए स्टॉप लॉस लगेगा हमारा जिस दिन लगेगा उस दिन तक बड़ी बड़ी ट्रेड डेढ़ी डेढ़ चुका एग्जैक्टली एग्जैक्ट